अर्चना जी आप मानती हैं? क्यों? अलग से आए. इतने टाइट कपड़े क्यों पहनते? चीखे निकलती बाद में तुम्हारी. ये मतलब अर्चना जी आप मानती हैं परिवर्तन संसार का नियम है? बिल्कुल मानती हूँ. हमारे सेट पर तो परिवर्तन ही परिवर्तन हो गया है. ये परिवर्तन चैनल की वजह से हुआ है. अच्छा. बोल रहे थे सब नया चाहिए. सिर्फ सेट ही नहीं, एक्टरों में भी परिवर्तन कर दिया उन्होंने. बस वही लोग नहीं बदले जिन्होंने चैनल के हिसाब से अपने बजट में परिवर्तन कर लिया. मुझे पता है परिवर्तन आपके भी यहाँ तक होके गुजरा है. पर मानना पड़ेगा कोई ना कोई स्ट्रेटेजी लगा के ना कुर्सी बचा लेती हैं आप. बाय द वे अर्चना जी मैं आपसे एक बात कहनी भूल गया. अब बहुत प्यारी लग रही है, स्पेशली आपका ये नया हेयर स्टाइल. कसम से इतनी यंग लग रही है ना आप. नसीर साहब अगर आपको देख लेना जलवा 2 दोबारा बना ले वो आपके साथ. वैसे एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ, तू भी बहुत बदल गया है. मतलब तेरी स्टाइलिंग एंड बहुत ही यंग लग रहा है तू. ओह थैंक्स. आदमी थोड़े दिन कहीं बाहर घूमने चले जाए ना तो चेंज आ ही जाता है. तो मैं कनाडा रह के आया हूँ 1.5 महीना. अच्छा रह के ये भी लंदन आई है लेकिन इनमें कोई बदलाव नहीं. लंदन जाके सिर्फ खाने की फोटो डाल रही थी मैंने, बहुत खाना खाया. वो चीज बताओ जो लोगों को ना पता हो. आप पता ही लोगों को बहुत खाती हैं आप. वैसे मैं चेंज की बात कर रहा था. वाइफ के आने के बाद लाइफ में बड़ा चेंज आता है. मेरी लाइफ में बड़ा आया. जो पत्नियां होती है ना पहले पति के हिसाब से ना खुद को 10% चेंज करती हैं ताकि पहले तो उसको इंप्रेस कर दूं, फिर धीरे धीरे करके पति को 200% अपने जैसा कर देती हैं वो. पहले तो घर के पर्दे बदलवाती हैं, फिर पर्दों से मैच करता हुआ फर्नीचर, सारा कुछ बदल के ना पूरा घर मायके जैसा कर देती हैं और फिर मायके जाना छोड़ देती हैं. सीरियसली तब आदमी सोचता है मैं ही थोड़े दिन मायके चला जाता हूँ, ये तो जाएगी नहीं. अच्छा बीवियों के साथ बाहर का प्लान भी बनाओ ना आप. ये उस कंट्री में लेके जाती हैं जहाँ इनके खुद के रिश्तेदार रहते हो. दो सूट ले जाओ उनके लिए 1500-1500 वाले, वो भी मेरे साइज के, उनको आएंगे नहीं मेरे को वापस कर देंगे. इतनी चलाकियां मारती हो ना आप. लेकिन जोक्स अपार्ट, लाइफ में आपकी जब वाइफ आती है उसके बाद ही तरक्की होती है. शादी से पहले आदमी कैसे भी रह लेता है, कुर्सी बैठे बैठे मोजे उतार के ना वॉशिंग मशीन में निशाना लगा रहा होता है. गई तो ठीक, नहीं तो वहीं पड़ी रह जाती है. गंदे कपड़े कुर्सी पे डालते रहते हो. ये तब तक कपड़े डालते रहते जब तक कुर्सी का बीन बैग नहीं बन जाता. फिर दारू पी के आते फिर बोलते मेरी कुर्सी चोरी हो गई. कुंवारों का ये हाल होता है, बाथरूम से नहा के ना निकलते हैं अंडरवेयर में घूमते रहते हैं, सारा दिन अंडरवेयर में घूमते रहते हैं. तौलिया भी तब लपेटते हैं जब पड़ोस की आंटी बेल बजाती है. एक तो तब भी नहीं लपेटते, अंडरवेयर में खोल देते हैं. हाँ आंटी. नहीं हमारी भी नहीं आ रही लाइट. हाँ शर्म ही नहीं आती इनको. अगर आपको तौलिये में घूमने वाला बंदा किस दिन नाइट सूट में नजर आ जाए समझ लो इसकी शादी हो चुकी है. ये होता है बदलाव, ये होता है परिवर्तन शादी के बाद. अपनी अपनी बीवियों के लिए जोरदार तालियां हो जाए. शादी हो जाती ना तो ये टांगे ये ऐसे हो जाती हैं और ऐसे हो जाता है वो. 6 साल में 3 बच्चे हो गए, पीछे बीवी बैठी है, 2 बच्चे बीच में घुस के बैठे हैं. आगे वाला पेट्रोल की टंकी पे रख लेते हो सबसे छोटा वाला. मुंह भी सड़ा हो जाता है उसका. अच्छा जो सबसे आगे बैठता है ना बच्चा उसकी निक्कर जो होती है ना वो इतना पेट्रोल सोख चुकी होती है ना कि जब माँ उसकी चड्डी धोती है तो रगड़ती तो आग पकड़ लेती है वो. सीरियसली. अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से कितना बदलाव आ गया. पहले तो लोग चिट्ठियां लिखते थे ना, बहनें चिट्ठियां लिखती थी फिल्मों में आपने देखा होगा. चिट्ठी चिट्ठी पढ़ने में इतना मजा नहीं आता, साथ में मुंह दिखाते थे बहन का ना. मेरे प्यारे भैया आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे. आपके आशीर्वाद से यहाँ भी सब कुशल मंगल है. आपके लिए राखी भेज रही हूँ, प्यार से बंधवा लेना. अब तो चिंटू और तितली भी बड़े हो गए होंगे. बहुत मन करता है उनसे मिलने का लेकिन क्या करूं आपकी जीजा जी को छुट्टी नहीं मिलती. आजकल इतना नहीं लिखते क्योंकि रोज तो वीडियो कॉल पे सारे परिवार को देख लेते हैं. ऑनलाइन सारा काम हो गया, इतना सा मैसेज आता है, हे ब्रो सेंडिंग ऑनलाइन राखी रिसीव इट थैंक यू. है ना, भाई भी ऑनलाइन पैसे डाल देता है. अच्छा कई बहनें चलाक होती हैं, उनके पास पैसे का मैसेज ना आए तो भाई को याद दिलाती हैं, भैया राखी मिल गई थी. कई बहनों तो ये भी याद दिलाती हैं कि कितने डालने हैं. भैया वो 5000 आपने डाला था. फिर भाई को आता है नहीं नहीं
टेक्नोलॉजी की वजह से घर के बड़े बुजुर्गों में बड़ा बदलाव आ गया। हमारी यहाँ दादियाँ पहले होता ना छत पे बैठ के अचार बनाती थी, पापड़ बनाती थी, आजकल देख लो आप कच्चा बादाम पे इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल रही है वो। अच्छा जो कच्चा बादाम पे वीडियो डाल रही थी उनके मुंह के पके बादाम सारे गिर चुके हैं। कई आदमियों को परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होता, अगर 50 की उम्र में बाल सफेद हो गए 70 तक ऐसे घूमते रहते हैं वो। तो फिर एक दिन घर में जब बीवी बोलती ना इतने भी बूढ़े नहीं हो तुम, शादी आ रही है सोनिया की, बाल सफेद, मैंने नहीं जाना बुढ़े के साथ। फिर ये जोश में जाके ना बालों के साथ साथ मूछे भी रंगवा के आ जाता है, और उसके बाद डीजे में जाके ना जवान सालियों के बीच में नाच रहा है। वो तो जब पसीना आता ना नई डाई के चक्कर में, जब इनके कान के पास से काला पसीना निकलता है, तब बीवी पहचानती है, अच्छा ये अपनी गाड़ी है। डेंटिंग पेंटिंग के बाद नई सवारियां ढूंढ रही है। फिर बीवी पकड़ के उनका पीयूसी करती गर्दन से, पति अंडर कंट्रोल। कुछ औरतें परिवर्तन के नाम पे बस इतने से मैं खुश हो जाती है कि बस मतलब सीधा पार्टीशन निकालती ना थोड़ा टेढ़ा निकाल लेंगी यहाँ से, इतना सा पार्टीशन निकाल के अपने आप को जूही चावला समझने लगती है। मैं अर्चना जी एक बात कहना चाहूंगी, दुनिया में कितना भी परिवर्तन आ जाए लेकिन एक चीज में भगवान की दया से आज तक परिवर्तन नहीं आया है, वो है हमारे शो का क्रेज। इसी क्रेज के चलते आज हमारे शो पे फिल्म विक्रम वेदा की स्टार कास्ट आ रही है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले बुलाते हैं मिस्टर सैफ अली खान एंड राधिका आपटे। सैफ सर, राधिका, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सैफ सर हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, राधिका आप पहली बार आई हैं। थैंक यू। अच्छा, हर बार आपसे बातचीत होती है टीम की, फिर आप कहीं ना कहीं निकल जाती हैं। जब तक एक फिल्म की प्रमोशन करने का टाइम आता है दूसरी की शूटिंग में निकल जाती है। फाइनली आप यहाँ पे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कब से एक्चुअली सर आप बड़े स्टाइलिश लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। बहुत सोच समझ के कपड़े पहन के। अच्छा सैफ सर खुद तो स्टाइलिश हैं, अभी इन्होंने ना अपना एक ब्रांड शुरू किया है हाउस ऑफ पटौदी के नाम से, क्लोथिंग ब्रांड शुरू किया है। तो सर आज तक पटौदियों ने जितने कपड़े पहने हैं वही मिलते हैं वहाँ पे? या नए भी मिलते हैं? मतलब पुराने कपड़े नहीं, मैं हाँ मतलब कौन से वाले कपड़े मिलते हैं? नहीं नहीं नहीं, सब नए कपड़े मिलते हैं, और जो कपड़े बिकते नहीं मैं पहन लेता हूँ। अच्छा मैंने जब नया नया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया ना, मैंने आपको इतना देखा राधिका उस पर, मुझे पहले पहले लगता था नेटफ्लिक्स का लोगो आप ही हो। इतना काम करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है कि वो अपनों आपसे अपना पासवर्ड शेयर कर लेते हैं कि तुम फ्री में देखो? अभी मैं 600 रुपए भरती हूँ। तो कैसे करती हैं आप 600 रुपए का सब्सक्रिप्शन? करोड़ रुपया कमा के 600 रुपए खर्च करना कितना मुश्किल लगता होगा आपको। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा सैफ सर जब सबसे पहले नेटफ्लिक्स पे आए ना सेक्रेट गेम्स में आए, इनके साथ राधिका थी, अब ये विक्रम वेदा कर रहे हैं आपके साथ अगेन राधिका हैं, तो सर नेटफ्लिक्स आपको खुद लेने आया था कि राधिका लेके गई थी? इन्होंने रास्ता दिखाया था मुझे, मैं तो तुम्हारे यहाँ आ रहा था। उन्होंने बोला यहाँ भी रास्ता है, पैसे भी मिलते हैं उस प्लेटफॉर्म में, तुम्हारे यहाँ आके तुम्हें। राधिका आपको मिलकर बड़ी खुशी हो रही, सीरियसली मतलब पहली बार आप हमारे शो पे हैं, इतने कमाल कमाल के किरदार राधिका ने निभाए हैं, कई कई तो किरदार इन्होंने ऐसे बोल्ड निभाए हैं कि इनकी स्क्रॉल करते करते सामने फोटो आ जाए ना बंदा फटाफट म्यूट कर देता कि पता नहीं कुछ बोलना दे। राधिका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रियल लाइफ में आप शांत हैं कि किस प्रकार का आपका, ताकि मैं उस हिसाब से अगले सवाल पूछूं। आप बताइए। आपसे पूछिए क्या? आप बता दीजिए। नहीं बहुत अच्छी हैं, एनर्जी उनकी है बहुत, कभी कभी बहुत ज्यादा बातें करती हैं, कभी कभी बातें नहीं करती हैं। अच्छा तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक दैट। राधिका शादी हो गई आपकी? जी। अच्छा चलो फिर फिल्म की बात करते हैं, ऐसा है। शर्मा जी। हाय। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, वेरी वेल, थैंक यू। हाय, वेलकम। हाय, थैंक यू। शर्मा जी हमारे घर में मेहमान है, आपने बताया क्यों नहीं? मेरा घर मेरे गेस्ट, आपको मैं क्यों बताऊं दीदी? दीदी क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी हूं। ये मेरे को पति पति बोल के ना बॉलीवुड में अपना पैर जमाना चाहती है। मेरे पैर ऑलरेडी जमे हुए हैं शर्मा जी, यू डोंट वरी। ठंड में जम रहे थे तुम लोगों के पैर, मैं घर के अंदर नहीं लेता तो। अच्छा सर आप बताइए, आपकी और करीना मैम की शादी को 10 साल हो गए जी, आज तक कभी भी आप उनका बर्थडे भूले?
नहीं उनका बर्थडे मुझे भी याद है करीना का 21 सितंबर उसमें क्या लेकिन खुद की बीवी को भूल चुके हैं। बीवी बोलने से क्या होता है बहन जी देखिए अगर मैं कल को बोलूं मैं ऋतिक रोशन हूं मैं विक्रम वेदा की प्रमोशन करने के लिए आया हूं तो उससे क्या मैं ऋतिक रोशन हो जाऊंगा आप गलत मत बोलिए तो ठीक है फिर कहने के लिए बोलने के लिए फिर राधिका मेरी बहन है डन राधिका आपकी बहन कैसे हो गई क्यों आपने इनकी बहन देखी देखी नहीं जाती यू वोंट बिलीव मतलब उसके दो कान है सभी के दो कान होते हैं उसके एक ही साइड पे दो हैं और इतने ऐसी सी हरकतें करते हैं इनके पिताजी कल टॉयलेट क्लीनर उठा के टूथब्रश कर रहे थे अरे वो पापा इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते तो इंग्लिश नहीं आती टेस्ट तो आता होगा बीच में मेरे पापा ना मोहल्ले में एक रेप्यूटेड डॉक्टर है वो डॉक्टर कुछ नहीं सर ये देखिए वैन कौन सा डॉक्टर है जिसको पुलिस की सायरन की आवाज सुनती है और उसका क्लिनिक भागने लगता है रेप्यूटेड डॉक्टर है वैद है वो चल क्यों मारो जाओ यहां से क्यों मार रहे हो अरे घर पे रखा करो उसको अरे पापा ये क्या हालत बना के रख रही मार क्यों पड़ रही थी आपको अरे पापा ने सेब उठा लिया था ऐसा पेला है उन लोगों ने ऐसा पेला है पूछो मत ए बेटी उठाया तो बंदर ने भी था उसकी वो लोग वीडियो बनाते रहे मैंने सोचा मेरी भी वीडियो बनेगी जैसे मैंने उठाया मुझ पिलपिल पड़े बंदर और इंसान में फर्क होता है पापा कोई फर्क नहीं होता सेम तो दिखते हैं सर यही है वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर बाकी इनके मुंह पे आप इनकी रिस्पेक्ट देख ही रहे हैं मेरे आने से पहले मेरी बातें चल रही थी बड़ी लंबी उम्र है मेरी पापा मेहमान आए हैं इनके सामने सी बकवास बातें मत करो प्लीज अरे बेटी ये मेहमान नहीं है नमस्कार नमस्कार अरे ये तो घर के लोग हैं कैसे हो दामाद जी ये कैसे हो गए आपके दामाद हैं अरे करीना भी तो अपनी बेटी जैसी है कि नहीं करीना आपकी बेटी जैसी लगती हाँ। आपकी खुद की बेटी की आपसे शक्ल नहीं मिलती बेटे की आपसे नहीं मिल रही मियां बीवी दोनों मियां बीवी नहीं लगते ऐसा लग रहा नेवला नहा के आया अरे मेहमान आए हैं चलो सैफ अंकल के पांव छू और 1 BHK ले ले जा ओए हट जा 1 BHK ये 1 BHK मतलब फ्लैट मांगने लग गए पहले तो पैर छू के 5,000 मांगते थे आप अरे ये नवाब हैं इनके लिए 1 BHK भी 4,000-5,000 जैसे ही हैं ज्यादा फ्रैंक ना होइए आप हमारे मेहमानों के साथ मैं कहाँ फ्रैंक हो सकता हूँ अरे भाई ये लोग तो सेलिब्रिटी हैं और हम लोग आम आदमी आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ ऑफ कोर्स सही हाय फ्रेंड हम हैं वेद सुंदरदास छपरी वाले और ये है मेरे क्लाइंट हमारी जड़ी बूटियां खाकर ये नवाब बने हैं वरना बैंक में साधारण कर्मचारी थे शर्म करो नौनों बच्चे आपके और हरकतें देखो आपकी कैसी हैं बेटा ऐसी हरकत करने के लिए और कितने बच्चे पैदा करने पड़ेंगे हाय दैया हाय राधिका आपकी ए जी क्या हुआ आपको नहीं 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 कहाँ है ये सब अरे बाप रे कौन थी वो किस किस साथ मुकाला करके आए हैं हमारे साथ धोखा दिया आप अरे हमारे साथ धोखा दिया तो आए अर्चना जी इनकी शक्ल देखिए इनके साथ कोई बिल्ली का बच्चा न पैदा करो और हम इनके साथ इंसानी बच्चा किए वो भी नौ नोटो मम्मी तुम गलत समझ रही हो ये इन्होंने सेब चोरी किए इसलिए मार खाए हैं हाय तो ये लड़ाई झगड़ा में सेब तो बचा है ना और सुनो चलो निकलो यहाँ से मैं इसी वैन के नीचे दे दूंगा तुम लोगों को व्हाट डिस्टर्ब कर रहे हो बन गया बेटे ये वैन तो चलती नहीं दामाद जी सुनो मेरी बात ओ मैडम समझा खबरदार मुझे दामाद कहा तो हम दामाद जी आपको याद दिलाते हैं आप याद काहे नहीं करते इतना आपको याद दिलाते हैं अब आप गेस कीजिए फोकस हियर हियर फोकस बताइए हम जो जीते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं लाइफ हाँ जिसे हम सब्जी काटते हैं उसे क्या कहते हैं नाइफ ई कौन है पता नहीं अरे यार।
एक मिनट, जीजा को कोई याद नहीं दिलाता, मैं याद दिलाऊंगा। हेलो जीजा, इधर आ। नहीं नहीं नहीं, अब निकलो यहाँ से। बच्चे को यहाँ पे बेबी, ये फूल फूल उठा के लेके जाओ यहाँ से अपने। बदतमीज, बहुत गलत बात है। ए बेटा, ऐसे करो। बाय बाय बाय, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बुलाते हैं फिल्म विक्रम वेदा के दूसरे अहम किरदारों को आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर शारिब हाशमी, सत्यदीप मिश्रा, रोहित सराफ एंड योगिता बिहानी। या ब्रो, वेलकम शारिब भाई। कैसे हैं सत्यदीप? हाय योगिता। हेलो। रोहित, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाजी। आइए प्लीज, विराजमान हो जाइए, बैठिए। शारिब भाई, कैसे हैं आप? जबरदस्त, इतना अच्छा कभी नहीं था। सीरियसली? अच्छा, मैंने सुना जब आप पिछली बार हमारे शो पे आए थे, उसके बाद जब टेलीकास्ट हुआ, आपके 220 फॉलोअर बढ़ गए इंस्टा पे। सीरियसली? आपने 20 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, 200 बढ़ गए। शारिब बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, आप सब जानते ही हैं। शारिब हाशमी, आपको पता है साहब भाई, हाशमी नाम से एक और भी हमारी इंडस्ट्री में कलाकार हैं, जिनका प्रेम दृश्यों में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमेशा। ऊपर वाला भेदभाव देखिए कैसा करता है साहब सर, ये भी हाशमी वो भी हाशमी, लेकिन उनका प्रेम दृश्यों में काफी योगदान है। और ये मनोज वाजपेयी साहब के साथ सड़कों पे घूम रहे हैं, क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं गर्मी में। पर जो भी आप करते, कमाल करते शारिब भाई। अरे थैंक यू सो मच। अच्छा, योगिता को जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हमारे शो पे पहले भी आ चुकी हैं, फर्क सिर्फ इतना है पहले एक बार देखने आई थी और आज ये गेस्ट बन के आई हैं। क्या बात कर रही हैं? सीरियसली? हाँ योगिता, आई थिंक 5 साल पहले की बात है, वी वर शूटिंग विद दिलजीत और तब ये ऑडियंस में आई थी, और हमें इसलिए भी याद है क्योंकि इन्होंने कोई डांस मूवमेंट भी किया। Yes. तो कैसा लगता आपको ये वाली कुर्सी से उठ के गेस्ट वाली कुर्सी तक आने का सफर? बहुत अच्छा लगता है। इसके आगे और क्या प्लानिंग है आपकी? प्लान ये कि वो चेयर से यहाँ आ गई हूँ। हाँ। अब वो चेयर ले लेते हैं। ओह गुड। रोहित ने टीवी पे एक सीरियल किया एक बूंद इश्क, फिर वेब सीरीज की फील लाइक इश्क, और अभी इनकी एक और आने वाली फिल्म, इसका नाम है इश्क विश्क रीबाउंड। तो स्क्रिप्ट में जो आपका मेन्यू है इश्क तक सीमित रहता है कि आप ऐसे कॉमेडी क्राइम थ्रिलर भी पसंद करते हैं? नहीं, मैं इश्क प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करने में बहुत मजा आता है। रियल लाइफ में नहीं है ना, तो रियल लाइफ में तो होनी चाहिए। अच्छा, रियल लाइफ में है ही नहीं। सत्यदीप साहब, इनके बारे में बता दूं कि ये एक्टर बनने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं। ओह, आई डिडंट नो दिस। तो सत्यदीप, मैं एक बात पूछने जाता हूँ, जब आप फिल्मों में आए तो आपने प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिया था कि नोटिस दिया था? मतलब कैसे सोचा आपने, ऐसे कौन से एक्टर का अकाउंट देख लिया था आपने कि जो आपको लगा कि नहीं यार फिल्मों में जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली ये गूगल पे थोड़ा इनकरेक्ट है, मैंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था। अच्छा, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन ये किसी फैन नहीं, मैं 10 महीने ट्रेनिंग करके मैं वापस, मैं वकील था 11 साल। अच्छा जी, इतने स्टार्स से मिले थे इनकम टैक्स करते हुए। उनको पता चल जाए कि ये इनकम टैक्स ऑफिसर है तो ये तो कभी भी पटौदी पैलेस लेके नहीं जाएंगे। मुझे अवार्ड मिलते हैं, पता है तुमको, अवार्ड मिलते हैं इनकम टैक्स से। आई एम अ गुड सिटीजन। आई नो सर, तभी तो हम लोग खुल के बात करते हैं। आपने सैफ सर की पिछली कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा, भूत पुलिस में ये भूत पकड़ रहे थे, बंटी और बबली में नकली बंटी और बबली को पकड़ रहे हैं, इस फिल्म में ये ऋतिक साहब को पकड़ रहे हैं, मैंने देखा पकड़ने में काफी एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपके फार्म हाउस पे जब आप जाते हैं, मुर्गियां जो होती हैं उसको खुद पकड़ते हैं कि बंदे रखे हुए हैं? उसके लिए मुर्गा रखा है मैंने। आपने देखा सैफ सर ने जितने भी फिल्म में सीन है, हर जगह गन पकड़ी हुई है, जहां जहां गन नहीं पकड़ी है वहां वहां राधिका को पकड़ा हुआ है। सही बात है, ये सारी बात ये आपका असूल है कि हाथ खाली नहीं रहने चाहिए। इनफैक्ट इस पिक्चर में बहुत एक्साइटेड था क्योंकि एक मैंने गन और राधिका दोनों को पकड़े थे इसमें। ओहो, वाओ, सो हार्ड वर्किंग यू आर सर। थैंक यू सर। अच्छा, सेक्रेट गेम आपने देखी है, सबने, इतनी हिट सीरीज है, उसमें सैफ सर और राधिका जो है एक ही केस पे काम कर रहे हैं, लेकिन राधिका को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। विक्रम वेदा में ये इनकी पत्नी बनी हुई है फिर भी इन पर विश्वास नहीं है। नेशन वांट्स टू नो, ऐसे मासूम चेहरे पे आपको ट्रस्ट क्यों नहीं है? Why? नवाबों पे भरोसा नहीं करना चाहिए।
जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे जो जनता जनार्दन है वो पिक्चरों पे कुछ भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ उन्हीं को चुनते हैं जो थोड़े फनी होते हैं, मजेदार होते हैं। सो प्लीज आप भी देखिए आपकी फोटोग्राफ्स के नीचे क्या क्या कमेंट्स आते हैं। देखिए आप तो सोशल मीडिया पे हैं नहीं, तो ये हमने कुणाल के अकाउंट से निकाला आपका फोटो। द क्यूरियस केस ऑफ द लास्ट समोसा, टू ईट और नॉट टू ईट। आइए देखते हैं इसके नीचे कमेंट्स क्या हैं। एक तो आपने हाथ में भी समोसा पकड़ा सैफ सर। मैंने उस वक्त 4 खाए थे। हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता फिल्म स्टार समोसा खाते हैं। खाने के बारे में इतनी बातें होती हैं आजकल, और लोग इतना नोटिस करते हैं कि कौन क्या खा रहा है, और बताते नहीं है खाते बहुत, बहुत, बाद में बात करते ना कि उसने 5 खाए, उसने 4 खाए। किसी ने नीचे रिप्लाई भी किया है कि भाई समोसा तो हम बोलते हैं, बड़े लोग तो इसे डेलिकेटली रैप्ड फ्रिटर स्टफ्ड विद पोटैटोज एंड रेड स्वेरी फिलिंग्स बोलते हैं। बोलते हैं आप फाइव स्टार होटल में जाओ तो समोसे का आगे जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना, ऐसे ही होता है। वो लास्ट वाला पढ़ो आप। इतनी सफेदी जरूर आप हेमा, रेखा, जया और सुषमा की पसंद का पाउडर यूज करते हैं। और दिखाइए आगे। राधिका ने प्री पार्टी केक मेकिंग, ऊपर से 2 दर्जन हैशटैग। उफ। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। व्हाट इज दैट ऑन योर वेस्ट? नाड़ा। इज इट नाड़ा? आई जस्ट वोकन अप। वाह क्या टैलेंट है, योगा, कॉफी, ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी सब एक साथ। आप सुबह टाइम पे क्यों नहीं उठती? देखो वो जजमेंटल हैं लोग पूरे। टाइम पे क्यों नहीं उठती? ये नहीं बोलते कि लड़की मल्टीटास्क कर सकती है। इनकी रसोई में ओवन नहीं दिख रहा है, जरूर ये कुकर में केक बनाएंगी। और दिखाइए आगे कमेंट। डोंट डाई अनदर डे, अपना बॉन्ड अलग है। अच्छा ये शारिफ साहब ने फोटो डाला है कुमुद मिश्रा साहब के साथ। दिखाइए नीचे कमेंट्स क्या है। जब जूनियर बोले कि सर कोई काम हो तो बताना, तब सीनियर ऐसे काम बताते हैं। बहुत काम कराया है इन्होंने मेरे से। कुमुद सर भी लाइक डाई तो अच्छी कर दी, तुम मालिश भी कर देते हो क्या? आपके संघर्ष को प्रणाम है भैया, क्या सफर है सैलून से लेके फैमिली मैन तक। वाह अद्भुत। दिखाइए और। पीपिंग आउट ऑफ ए 500 ईयर ओल्ड बेडरूम है। ये कहाँ पे था जी? ये नेपाल में। रेंट पे मिलते रहने के लिए? नहीं अभी बिल्कुल खाली है। अच्छा। कब्जा कर सकते हैं। ओके दिखाइए नीचे कमेंट्स। सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते देखो कहाँ तक आ गए। ये बहुत सही था। इस बेडरूम में ताला लगता है या बाहर जाते वक्त पत्थर लगा के जाना पड़ता है? किसी ने लिखा है मुबारक हो, लोग लाइफ में गोल अचीव करते हैं, आपने होल अचीव किया। और दिखाइए। रोहित ने ये फोटो डाला, दीज पिक्चर्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ आई वाज द पास्ट 2 ईयर्स। काफी इंग्लिश है यार। कितनी लंबी इंग्लिश यार। डायरेक्टर चेक कर रहे हैं कि कितना भारी एक्टर है। मैंने पहले ही कहा था लोन चुका दो वरना रिकवरी वाले ऐसे ही उठा के ले जाते हैं। मुझे भी ऐसे ही उठाया था। और दिखाइए। ओह योगिता ने फोटो डाला, वेंट टू शॉप सम इंसेंशियल्स एंड गॉट पैप। सच्ची बताना योगिता, सच्ची में वहां पे मीडिया था? आइए देखते हैं कमेंट्स क्या आए हैं। ऐसा कौन सा फल था जिसकी प्राइस सुन के चश्मा उतर गया? नहीं भाई ये चश्मा पहन के काला पपीता मांग रही थी, उसने कहा चश्मा उतारो पीला है। फल वाले हो जाएं सावधान, ऐसे ही कुछ युवतियां ध्यान भटका के सेब उठा लेती हैं। But can I say something? इसके बाद यहाँ पे शूट करने के बाद वो मेरा ऑफिशियल वेजिटेबल वाला बन गया और फ्रूट्स वाला बन गया। अच्छा। And he still calls me, अगर मैं एरिया शिफ्ट कर दिया ना तो he calls me, मैडम आपको सब्जी नहीं चाहिए, मैडम आपको फ्रूट्स नहीं चाहिए। अब अर्चना ही जाएंगी आपके इंस्टा पे ढूंढेंगी फल वाले का नंबर। दिखाइए और। ये करीना ने फोटो डाला है, माय मॉर्निंग सैफ बेबो आर यू टेकिंग अनदर पिक्चर्स फॉर इंस्टाग्राम मी क्लिक सैफू एंड टिम टिम। बड़े क्यूट पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स।
देखो क्या जमाना आ गया, बच्चे को पढ़ाई पे लगा के खुद मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं। नहीं भाई, तैमूर ने गणित का कोई सवाल पूछा है, ये गूगल पे उसका जवाब ढूंढ रहे हैं। लगता है तैमूर सैफ की स्क्रिप्ट से रोमांटिक सीन काट रहा है। गुड वन। और दिखाइए। राधिका ने ये फोटो डाला है, द वार्मेस्ट वेलकम इन द देहरादून, सो मच इंग्लिश। इतनी बचपन में इससे आधी एप्लीकेशन लिख के आते थे हमारे, 10 में से 8 नंबर आ जाते थे। दिखाइए कमेंट्स। पैसे दे के खरीदती तो इतना बड़ा कैप्शन नहीं लिखना पड़ता। गिफ्ट मिले तो इंसान के घर में चाहे सिंगल बेड हो, उठाना डबल बेड गिर जाए ही है। और दिखाइए। बाल बाल देखो, ए लिटिल फैन मोमेंट। काफी बालों से खेलते हैं आप। यू लाइक टचिंग हेयर? नो नो नो, वैसा तो नहीं, लेकिन लाइक टचिंग हेयर। हेयर टुडे गॉन टुमारो। सो जी दिखाइए कमेंट्स। दोस्तों अब नेटवर्क का दिक्कत नहीं आएगा, इन्होंने एंटीना ठीक कर दिया है। शारिब सीन समझाने के बहाने अपना सीन सेट करते हुए। और दिखाइए। मिश्रा ने फोटो डाला है, द लाइट ऑफ ट्रुथ, अनदर लेवल, व्हिच इज व्हाट माय नेम मींस। वाओ, द लाइट ऑफ ट्रुथ, क्या बात है सत्यदीप जी। ये आपने क्या पहना, क्या हुआ? मैंने स्विंग शॉर्ट्स और एक गमछा है, ये गोवा में है और मैं बाइक से उतरा हूं और ये बस मुझे टी-शर्ट नहीं थी तो मेकअप दादा का मलमल लग रहा है। नाइस नाइस फोटो। दिखाइए नीचे कमेंट्स। इट्स लाइक अ शीट शर्ट। आप किस्मत वाले हैं, लॉकडाउन में गोवा में फंसे हो, मैं तो ससुराल में फंस गया था। ज्यादा फैनी पी लो तो इंसान होटल की चद्दर उड़ के बाहर आ जाता है। चद्दर तो बोलना था किसी को। ये गोवा में इसलिए उदास है क्योंकि लॉकडाउन में सभी गोरियों को अपने देश वापस जाना पड़ा। देखो आप सीधा ही लोग कैसा जज कर रहे हैं। वाह, और दिखाइए आगे। रोहित, व्हाट इज दिस? लव लंदन। मैं बच्चा था पहले। बच्चा था। कपड़े उतार के पिज्जा खाते हो आप? सीरियसली। आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। लव लंदन। लंदन की फोटो है ये जी? कैसे माने ये लंदन है? किसी गोरी के साथ फोटो खींच के दिखाओ। इतना बड़ा पिज्जा और तन पे कपड़ा नहीं, जरूर आपके साथ कोई और है। रोहित, जितना मर्जी छुपा लो, कुछ ना कुछ राज बाहर आ ही जाएंगे आपके। इतनी सारी पिक्चर दी आपको, यही दिखाना जरूरी है? यही दिखाएं, इसमें आपका अंग प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं। हमारे तो कपड़ों के बदले बर्तन मिलते हैं, लंदन में पिज्जा देते हैं क्या? और दिखाइए। योगिता ने फिट डाला फोटो, बड़ा अच्छा। डे सन रीटा, वाओ, कहां का फोटो है योगिता ये? स्पेन। स्पेन, दिखाइए कमेंट्स। लगता है इन्होंने पी ली है, ये कह रही है टांगा तेरी बहन चलाएगी। इतनी क्या जल्दी थी आपको फोटो की? घोड़ा सिर्फ एक ही जुराब पहन के आ गया। अच्छा। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे भाई, हु इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम। देखिए कमेंट्स देखते हैं नीचे क्या है। लगता है इन्होंने सोफा बेच के कारपेट लिया है, तभी नीचे बैठे हैं। जब बाथरूम एक हो और कैंडिडेट 3 हो तो ऐसे ही सलाह होती है, पहले कौन जाएगा। और दिखाइए, खत्म, धन्यवाद। अब हमारे बीच जो आ रहे हैं वो इस फिल्म के डायरेक्टर्स हैं। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गायत्री एंड पुष्कर। जोरदार तालियां गायत्री और पुष्कर के लिए। आइए 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 गायत्री। गायत्री और पुष्कर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद विक्रम वेदा के लिए।
मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म गायत्री और पुष्कर ने मिलकर डायरेक्ट की है। इन दोनों का फेसबुक अकाउंट भी एक ही है, एक ही घर में रहते हैं और करीबी सूत्रों से पता चला है कि एक ही कमरे में सोते भी हैं। तो पुष्कर, जब आप फिल्म डायरेक्ट करते तो कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों कैसे डायरेक्शन, मेरे को जानना है। फर्स्ट हाफ आप करते हैं, सेकंड हाफ ये करती हैं, या आप एक्शन बोलते हैं, कट बोलती हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ योर डायरेक्शन? थोड़ा और ऑर्गेनिक होता है, व्हिच बेसिकली मींस हम हाफ ऑफ ब्रेन ही यूज करते हैं। ओके, सो बोथ ऑफ अस टुगेदर इज इक्वल टू जस्ट वन ब्रेन, दैट्स अबाउट इट। ओह सो स्वीट। भाजी, ये पहले पति पत्नी है जो सेम पेज पे देखे मैंने हमेशा। कसम, मैं भी वही बोलने वाला था, एकदम सेम पेज पे, सेम ख्याल। क्या बात है, ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं, पति को थोड़ा कम समझती है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे नहीं। पर जैसे जैसे कोई भी जोड़ी हो, आर्गुमेंट तो होता ही है, तो जब आप दोनों के बीच में की डायरेक्शन को लेके आर्गुमेंट होता है, तो पुष्कर आप कितनी देर में मान जाते हैं कि गायत्री सही है? इमीडिएटली। स्मार्ट, नो आर्गुमेंट, सुपर एक्सपीरियंस, वेरी गुड। अरे भाई साहब, पूरी टीम आई है, क्या बात है। आए जी, कैसे हैं सब, क्या हाल है सर? हेलो हेलो मैम, कैसे सर? एक मिनट, अरे ऋतिक साहब कहाँ है? ऋतिक साहब, ऋतिक साहब कहाँ है? वो नहीं आए। कहाँ हाल है? ऋतिक साहब भी आए, कम से कम रोशन को तो आना चाहिए था। ये देखने वाली बात है साहब। भाई ऋतिक साहब के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट कहाँ है? ऋतिक साहब कहाँ है? सर जी, इसकी बात में ज्यादा ध्यान दो, एक नंबर का जाहिल आदमी है ये, ऐसे ही इधर रहते हैं। हेलो, खबरदार, मुझे दोबारा कभी आदमी कहा तो, जाहिल कहा तो। हमारी भी कोई इज्जत है और हम इस मोहल्ले के उस्ताद हैं, उस्ताद घर छोड़दास। तो मैं संगीत का गुरु हूँ, मैं संगीत की इतना ज्ञान, इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली है कि मैं किसी भी धुन में से चीज निकाल लेता हूँ। नहीं, किसी भी चीज में से धुन निकाल लेता हूँ। किसी भी चीज में धुन नहीं, सिर्फ कल इनको किसी ने भेड़ दी, उसमें से ऊन निकाल के सर पे लगा घूम रहे हैं। मैंने भेड़ में से ऊन नहीं निकाली थी, वो तो मैंने उसको म्यूजिक क्लासेस दी तो उसने खुशी में गुरु दक्षिणा में कहा, बे गुरु जी तो ऐसे मिली है। तो मैं म्यूजिक जानवरों को भी सिखाता हूँ। कल मैं एक मुर्गी को म्यूजिक क्लासेस देने गया था। अच्छा। मैं घर पे गया लेकिन मैं गलत टाइम पे चला गया। हाँ। वो उसका अंडे देने का टाइम था। मैं घर गया, वो अंडे दे रही थी और इतने में एक मुर्गा आ गया। हाँ। उसका मुर्गा आया, वो इतने बड़े बड़े लेग पीस उसके। मेरी तरफ वो बढ़ रहा था गुस्से में, हम दोनों को ऐसे देख के, जानते उसने मुझे आके क्या कहा? क्या कहता है? मैंने कहा, मैंने कहा साहब ऐसा नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं इन अंडों का बाप नहीं हूँ। फिर वो मुर्गी के पास जाके बोलता, कहता मुर्गी इतना बेचारी घबरा गई, घबराई जाएगी, एक बेवकूफ की वजह से किसी का घर टूटेगा तो घबराई जाएगी ना। उसने अपना मंगलसूत्र निकाला और फिर अंडों के ऊपर रख के उसने कसम खाई, तब बात समझ आई। उस्ताद जी, आप कितने बेवकूफ इंसान हैं, क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं आप? हमें पता है साहब, ये मेहमान है भाई, चाय कॉफी ठंडा जलजीरा क्या देंगे आप? क्या देंगे नहीं, क्या लेंगे आप? मैं एक कप कॉफी लूंगा। और वो थोड़ा सा मेरे को उसके साथ वो देना, क्या कप? क्योंकि कई बार क्या होता है अर्चना जी, लोग ना कप के बिना कॉफी सीधा ऐसे दे देते हैं, पूरी उसमें क्या होता है, सारी ही कॉफी जो है वो बनियान पी जाती है।
हमारे हाथ कुछ लगता नहीं, चार पांच बूंदे आ जाती, जो आ जाती। खैर राधिका जी, मैं ना बड़ा मैं बड़ा अच्छा म्यूजिक सिखाता हूँ, लेकिन जिससे ज्यादा प्यार हो उसको मैं और अच्छा सिखाता हूँ। तो मेरे साथ राधिका जी, अगर आप थोड़ा सा हल्का सा आप ऐसे यूं सर उठा दें, आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, आप ऐसे करिए, हल्का सा ऐसे करना, आप हल्का सा करना, ऐसे पूरा अदा से ऐसे अरे यार आ जाते हैं। क्यों उनके पास जा रहे हैं आप? उन्होंने मेरे को बुलाया है, आ कह के, तो मैं नहीं जाऊं। ये जबरदस्ती बुलवाया आपने, तो मैंने उनको कहा हो तो उन्होंने मेरी बात मानी, वो कुछ कह रहे हैं तो मैं भी मानूंगा ना। क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को आप? एक मिनट मुझे जरा बात कर लेने दीजिए, दो मिनट रुकिए प्लीज। तो आइए आइए। सोफा काफी नरम है ना? अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी। आपको पता है? नहीं। जब मैं अपनी छोटी छोटी आंखों से आपकी बड़ी बड़ी आंखें देखता हूँ ना, जी, मुझे एक बात दिल में आती है। जी। क्या? काजल जो है वो एक महीने में चार पांच डब्बी तो लग ही जाता होगा। जी राधिका जी, आपको पता है मैंने आपको पहली बार बदलापुर में देखा था। जी। मैं उस टाइम मैं भांडुप में था। जी। क्योंकि भांडुप से एक अपना अलग लव है। मतलब मेरा दिल और भांडुप एक ही है। आप ये समझ लीजिए कि मैं तो कभी कभी भांडुप को वैसे दिल ही कहता हूँ, क्या दिल को भांडुप कहता हूँ। तो मैं आज आपसे अपने भांडुप की बात कहना चाहता हूँ। भयंकर। एक लड़की थी जिसको मैं सच्चे भांडुप से प्यार करता था। बहुत प्यार करता था मैं उससे। मैंने पहली नजर में उसे अपना भांडुप दे दिया था। अरे यार। लेकिन वो लड़की मुझसे रिचार्ज करवाती रही, लेकिन वो लड़की के भांडुप में खोर था साहब। इस बात का हमें पता कब चला? जब मुझे ये पता चला कि मेरे अलावा छह लड़के और हैं जो उसके भांडुप में रहते हैं। साहब वो लड़की लोगों के भांडुप के साथ खेलती थी, ये देखकर मेरा भांडुप फट गया। मैं कहीं का नहीं रहा। लेकिन आप लोगों का सॉरी थोड़ा टाइम वेस्ट किया, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप लोगों से बात कह दी ना, मेरा भांडुप थोड़ा हल्का हो गया। आपका तहे भांडुप से धन्यवाद। भाई हम संगीत का एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं, तो संगीत, अब जैसे आप लोग इतने फिट हैं, एक्टिंग में आप लोग लाजवाब हैं, शेफ सर आप तो वाओ हैं, और राधिका जी यू आर एक्सीलेंट, बड़ा खुश होता आप लोग को देख के। लेकिन एक टेस्ट हमारा एक म्यूजिक का जरूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ म्यूजिक का ज्ञान है कि नहीं।
तो जरा हेलो। यस। क्या है ये? अरे बाप रे, वाह जी वाह, ये म्यूजिक का टेस्ट है, लीजिए। ओ मेरे पास तो यही आई लाइक दिस सर। हम लोगों ने ये साथ में आप लोगों को ये ऐसे प्ले करना है, तो मैं आपको थ्री बोलूंगा तो थ्री पे आपको प्ले करना है। ओके रेडी, पोजीशन ले लीजिए, पोजीशन। या या वन टू फोर। भाई इस बात से ये पता चलता है, म्यूजिक का तो पता नहीं लेकिन मैथ्स में थोड़ी थोड़ी वीकनेस है। थ्री पे, थ्री पे, रेडी रेडी थ्री। वेरी गुड वेरी गुड। यस सर प्लीज। नो यू हैव टू वेरी, ये तो बहुत ही कमाल, ये बेस्ट लगा मुझे सर। सिंक इट, एक बार आप हो जाएं। आई विल डू द साउंड, यू प्ले इट। हाँ लेकिन इसमें इसमें क्या हो रहा है, जैसे ऐसे नहीं, एक आवाज आ रही है। हाँ यस, तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कौन सी? तो थक 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 थक। अरे यार डरना नहीं, कुछ नहीं होता, भगवान सब अच्छा करता है। ओके तो आज के विजेता हैं रोहित। तेरी एक मिनट, वो कैसे विजेता हुए, कैसे भाई? क्योंकि सबके इंस्ट्रूमेंट सही थे, इनका खराब था फिर भी बज रहा था। बहुत बड़ी बात। तो वही अब आए हैं तो सेलिब्रेट तो हम करके ही जाएंगे। जरा वो देना। क्या सुर? सुर नहीं, इस्तीफा लो इनसे, म्यूजिक हम बजा रहे हैं, ये बैठे हुए। विक्रम वेदा, 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 निनी सा सा सा, निनी सा सा सा, निनी रे रे रे, निनी सा सा, निनी रे रे रे, निनी सा सा, पर पनी निनी सा, पर पनी निनी सा, पर पनी निनी सा। राधिका आप ते, राधिका आप ते, राधिका आप ते, राधिका आप, राधिका आप ते, राधिका आप ते, राधिका आप ते, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे, इससे ना पटे। सेफुजा 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 सेफुजा। अरे
टूट जाएगा कि तो क्यों लेके जाओ ये एम्बुलेंस बुला बहुत बढ़िया सीखा बाप रे बहुत बढ़िया सुपर सुपर हाय वाह 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 एक ऐसा हाय नमस्ते सैफ जी राधिका जी नमस्ते सत्यदीप जी नमस्ते रोहित जी नमस्ते योगिता जी नमस्ते शारिफ जी नमस्ते पंकज जी नमस्ते पंकज कौन है हमारे चाचा हैं हमारे चाचा हमको बोले थे कपिल शर्मा का मुंह से एक बार नाम बुलवा देना तो हम बुलवा दिए चाचा जी नाम बुलवा दिए हैं QR कोड आपको भेजे हैं देख लीजिएगा थोड़ा हम अपना इंडक्शन दे देते हैं आपको इंडक्शन हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं मत क्या कर तू कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन वही मेडिसिन रिएक्शन कर गई इसको वैसे आप कैसे हैं शराब जी शराब नहीं शारिब अरे पर नसीली आंखें तो देखिए किसी को तो लगी तो शराब से कम नहीं है दो मिनट लगातार किसी को देख लें तो चखना खाने का दिल करने लगता है आपको आधा हाथ भी दिख रहा है शायद दूसरा नहीं नहीं ऐसा मत देखिए हमें प्लीज हमें ऐसे मत देखिए पूरा टल्ली करेंगे क्या हमें हाय रोहित जी हाय रोजी आप थोड़ा हैंडसम होते ना थोड़ा तो कितना तो हैंडसम है वो नहीं नहीं वही तो प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम है तो आप उस नजर से थोड़ा थोड़ा हमें देखते फिर जिस नजर से ये सत्यदीप जी अर्चना जी को देख रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले लेकिन अभी इस नजर से देखने का फायदा नहीं है हमें क्यों हमारा तय हो रहा है रिश्ता किसके साथ हो रहा है हमारा मम्मी पापा जो है गया हुआ है लड़का के घर पे देखने के लिए हमारा बात चल रहा है लड़का बहुत ही अच्छा है आप लोग का एंटरटेनमेंट प्रोफेशन से है बहुत बड़ा कोरियोग्राफर है किसको डांस सिखाता है वो बंदर को मदारी है ना जू बीच पर ऐसा डमरू बजा के डांस सिखाता है लेकिन कितना नेक काम है आपको बताइए ये जालिम दुनिया में एक बेजुबान जानवर को स्टार बना रहा है अच्छा बात है कि नहीं अच्छा बात है और जुबान वाले जानवर को बीवी भी तो बना रहा है राधिका जी आप ही सोचे कितना अच्छा रहेगा हम हमारे वो बंदर तीनों साथ में रहेंगे बंदर प्री में हमारे लिए केला ले आएगा अमरूद ले आएगा हरा सारा सामान कुछ खर्चा करने का जरूरत ही नहीं है तो बंदर से शादी कर ले तेरी जुआ भी निकाल देगा वो बंदर ले आएगा वो ले आएगा कर लेते लेकिन हमारे अपने वो को हम धोखा नहीं दे सकते कौन वो को धोखा अरे वो जो हाँ कोरियोग्राफर क्या हो रहा है फोन बज रहा है हमारा वाइब्रेशन पर है ना हमारा फोन बज रहा है मम्मी का फोन है हम एक मिनट हेलो मम्मी रिश्ता पक्का हुआ क्या ना कह रहे हैं एक बार उनसे बात कराइए हेलो 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 ये इस तरह ना जल्दबाजी में रिश्ता ऐसा कैंसिल नहीं करते हैं देखिए शादी ब्याह का मामला है आराम से बैठ के बात करते हैं हाँ अब बोलिए नहीं नहीं लगती नहीं है वो तो किसी ने ऐसा वो भालू का कोई फिल्टर लगा के हमारा फोटो ले लिया होगा ऐसा लगते नहीं है आपने माझी फिल्म देखा है थोड़ा नवाजुद्दीन की नजर से हमको देखिए एकदम राधिका आपटे लगेंगे अरे कोशिश तो कीजिए ऐसा नहीं करना है शादी पक्का है लॉक कर दे तो हमारा भी एक बात सुन लीजिए हमको नहीं करना है अरे बेजुबान जानवर का कमाई पे जीने वाला आदमी हमको क्या रखेगा ऐसे आदमी से शादी नहीं करना है हमें बहुत लड़के मिल जाएंगे बहुत रिश्ते आएंगे तेरे लिए कोई रिश्ता विश्ता नहीं आने वाला समझे इस गलत फहमी में मत रहना तू क्या अरे
अरे बाप रे, बहुत लोग हैं सेलिब्रिटी, कैसे सब ठीक है घर पे? तुम माई सेल्फ पुष्पा, मैं फायर नहीं नायर है। मैं थोड़ा एक मिनट है, मैं थोड़ा गुस्से में क्या रे ये बुढ़िया बुढ़िया ना बुढ़िया और क्या बोली मैं, ये कैसे साड़ी धोती तू, इसमें पूरे नारियल का तेल का स्मेल आ रहा है मेरे को। कपड़ा में से नहीं आ रहा है, तुम्हारे शरीर में से आ रहा होगा, इतना नारियल लगाते हैं, नारियल ने क्या बिगाड़ा है, उसका तेल का ही निकाल देते हैं सारा। अच्छा तो बैंगन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि उसका भरता बनाते हो? जब देखो लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। अरे लोग प्यार में इतना धोखा नहीं खाते जितने ही लिट्टी चोखा खाती है। राधिका जी, तुमको पता है उस दिन मेरे को कपड़े धोने को दिया था, जेब में 50 रुपया था, निकाल लिया इसने। पंगा हमसे लेना नहीं है, सैफ अली खान बैठे हैं, उनसे पिटवा देंगे हम। तो मैं भी तुमको ना ऋतिक सर से पिटवाएंगी, हैं देख लेना। ऋतिक सर तो आए ना भाई, कैसे पीटेंगे, कैसे पीटेंगे। देखे सब लोग के सामने इंसल्ट मत कर, समझा तुम लेडीज है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहे तेरे को। तुम भी लेडीज हो इसलिए हम भी तुम्हें कुछ कह नहीं रहे हैं। हाँ, तुम दोनों नकली लेडीज हो, तुम लोग लड़ सकती हो। ऐसा है, अलाउड है, लड़ सकते हैं। नकली कपड़ा तो हम बहुत धो हैं, आज इंसान को भी धो देते हैं। बहुत गुस्से में, एक मिनट क्या, लड़ाई बहुत कर सकता है, इतना भाग नहीं सकते, लेकिन तुमको पीछे मिलो। राधिका, जैसे आप कोई भी फिल्म करती हैं, ये तो आप ही डिसाइड करती होंगी, जाहिर सी बात है, पर मैंने सुना कि डेट पे किसके साथ जाना है ये आपकी बिल्ली डिसाइड करती है। पर हुआ क्या था, किस्सा बताइए ना प्लीज। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने बिल्ली पे छोड़ दिया। पर बिल्ली ने कैसे बताया आपको? दो लोगों ने डेट के लिए बुलाया था, सेम डे पे एक था मेरा माय नाउ हस्बैंड बेनेडिक्ट, और एक था और एक आदमी माइकल, उसका नाम था क्या, गॉड आई होप माइकल इज नेवर गोना फाइंड आउट, आई जस्ट डेट पे बुला, इट्स ऑन टीवी, आई नो माइकल फॉरगेट मी, बट दोनों ने एक ही दिन बुलाया था डेट पे, तो सोच रही थी क्या करूं, तो मेरा रूममेट था, तो मैंने कहा क्या कर दो, वो बोला एक बिल्ली आती थी हमारे यहाँ खाना खाने, तो एक में ट्यूना था, एक में कुछ और कुछ फिश था, तो हमने कहा कि उसको देते हैं, ट्यूना बेनेडिक्ट है, दूसरा फिश वो माइकल है, जो खाएगी उसके साथ डेट पे चले जाना। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उससे ट्यूना खाया, मैं बेनेडिक्ट के साथ चली गई, और अभी उससे शादी हो गई, 12 साल हो गए। ऑलवेज फीड एनिमल्स। राधिका, यू डू रियलाइज ना, इस शो को करोड़ों लोग देखते हैं दुनिया भर में, माइकल विल डेफिनेटली सी, या फिर कोई और बताएगा उसे। Well, आपने ये बोल के ना अब बिल्ली की जान खतरे में डाल दी। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है क्या डिसएडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया पे होने के, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हेलो कपिल सर, मेरा नाम शमीम पटेल है। शमीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पटेल साहब। जैसा आपने बोला कि सोशल मीडिया में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, हाँ, तो मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया उसका। क्या? मतलब अपने लाइफ में थोड़ा अकेला फील कर रहा था। कब की बात है ये? थोड़े टाइम पहले की बात है, अकेलापन महसूस कर रहा था, तो मैंने बहुत ट्राई किया मतलब गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है और? जी कोई मम्मी डैडी है। तो अकेला क्यों महसूस कर रहे थे? अच्छा, ओके, अपने अपने रूम में अकेला महसूस कर रहे थे। जी जी जी। अच्छा, ये बंदा इंटरेस्टिंग है जी, फिर क्या हुआ? तो सर मैंने सोशल मीडिया में एक फेक अकाउंट बनाया लड़की के नाम से। अच्छा, लड़की के नाम से? जी। फिर? तो सर मैंने कुछ दिनों बाद मुझे एक अंकल का मैसेज आया। वो भी अकेला महसूस कर रहे होंगे। फिर उन्होंने मुझे हाय भेजा, तो मैंने बातचीत की थोड़े, फिर उन्होंने मतलब उनको मुझ में इतना इंटरेस्ट आ गया कि क्या बोले पता नहीं। ये तो केस अलग ही कच्ची पटरी पे उतर गया। नहीं सकता। फिर तो मैंने अपना थोड़ा सा उनसे मोबाइल वगैरह रिचार्ज करवाया। और अगर कहीं अंकल रिचार्ज वसूलने पहुंच जाते
सर मैंने बताया नहीं ना अभी। फिर सर फिर उन्होंने मुझे मिलने के लिए बहुत ट्राई करा लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं बोला बहाना मारा कि मुझे नहीं मिलना है ऐसा वैसा, तो उन्होंने मुझे बोले मुझे वीडियो कॉल करो या तो मिलो कुछ भी करो नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा। यार फिर सर फिर मैंने उनको वीडियो कॉल करके मैंने बता दिया कि मैं लड़का हूँ। बहुत गालियाँ दी मुझे। अच्छा आपने बताया वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल में देख के उनको अपने आप नहीं पता चला? अब अकेला महसूस नहीं करते आप? नहीं नहीं। शुक्रिया पटेल साहब, धन्यवाद अपना किस्सा शेयर करने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? ये पीछे तीन महिलाएं जो घूंघट में बैठी हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। राजस्थान से आप? बड़ा अच्छा लगता है यार, दूर दूर से साहब सर ये लोग आते हैं शो देखने और मोहब्बत है इनकी। और मैं ऐसे ही, मेरे को अच्छा लग रहा था आपका अटायर, यू नो ट्रेडिशनल राजस्थानी अटायर। नमस्कार जी। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं करनी है। शर्मा गई। टीवी भी घूंघट निकाल के देखते हैं। पर बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और कोई हमारे दोस्त अपना के? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो मैम। हेलो एवरीवन। हेलो। मेरी जो बात है एकदम डिफरेंट है। अच्छा जी। 2018 में मैं सेफ सर से मिली थी। हैं? यस। उनको याद नहीं होगा, एयरपोर्ट पे मिली थी। अरे याद होता है सब, बताइए। करीना मैम भी थी साथ में और तैमूर भी थे। अच्छा जी। हाँ, तब मैंने उनके साथ एक फोटो ली थी थोड़ी जल्दी में। अच्छा जी। जो सोशल मीडिया पे मैंने डाली, बहुत सारी कमेंट्स मिली। अच्छा जी। उससे पहले मैं उनसे मिली थी 2016 में। आप हर बार इन्हीं को मिलती हैं? वही कुछ है। उससे पहले मैं उनसे मिली थी 95 में। 1970 तक जा सकते हैं, उसके पहले तो नहीं। तुम्हें बहुत पतले थे आप, इतने लंबे लंबे बाल थे, एकदम यंग। अभी भी यंग। 15 साल का था मैं। 95 हाँ, 95 95 I hope it's a happy ending. मैं तो डर रहा था, अभी डरा हुआ हूँ। ये जा कर रहा है। जी मैम, सॉरी सॉरी। एक साल से मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे कपिल शर्मा शो में जाना है और मेरा नंबर आज लगा, तो मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो। तो कुछ तो है, लाइक गॉड ने कुछ कनेक्ट किया है कि आप जब भी मिलो सेफ साहब से मिलो। तो पता नहीं नेक्स्ट कब, लेकिन आज यू आर लुकिंग फॉर द कल्मिनेशन साहब सर, कि अब क्या होगा, अब क्या बोलेंगे। और है आज फोर्थ टाइम। और कहां से आई मैम आप? मैं गुजरात से आई हुई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। Nice to meet you. आप अकेली आई हैं साथ में? मेरे हस्बैंड आए हुए। अच्छा, नमस्कार जी, हस्बैंड जी क्या हाल है? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद मैम, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हाय कपिल सर। हाय एवरीवन। हेलो। हाय अर्चना मैम। एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड, वी वर सिटिंग इन अ कैफे, तो हमने एक लड़का देखा एंड ही वाज वेरी गुड लुकिंग जस्ट लाइक यू। सॉरी, फिर आई टुक माई फोन, इंस्टाग्राम चालू किया, आई स्टार्टेड स्टॉकिंग, फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, वहाँ से फॉलो रिक्वेस्ट वापस आई। तो जिस फ्रेंड के साथ थी मैं, उसको मैंने बताया कि ऐसे बात चालू हो गई है। तो अब मेरी जगह मेरी आईडी से उसने बात करना स्टार्ट कर दिया। एक महीने बाद आई मिलने की, तो उसने बोला तू मिल के आ, आई एम नॉट गोइंग। तो मैं जब गई तो वो कॉन्वर्जेशन थोड़ी ऑकवर्ड हो गई थी, बिकॉज मुझे नहीं पता था वो लोग क्या बात करते थे। एंड में पता चला कि मेरी आईडी से मेरी फ्रेंड बात करती थी और उसकी आईडी से उसका कोई फ्रेंड बात करता था। Oh, wow. जैसे को तैसा मिला। एक सवाल है, वो ऐसे दिखा ना तुम्हें कैफे में? हाँ। तो वो इंस्टाग्राम पे कैसे मिला? ये तो फिर तुम पकड़ने पे चली गई, अभी इतना डिटेलिंग।
इन्वेस्टिगेटर आपने की खराब आदत है वैसे मैम म्यूचुअल्स बहुत थे म्यूचुअल्स बहुत थे मेरा फोटो किसी ने लगाया था कोई इंटरनेशनल डेटिंग ऐप पे ओह वाओ या फ्रॉम कलोना होकर एक पब्लिसिटी स्टिल सो एवरीबॉडी स्वाइप राइट बाद में वो बात कर रही थी उससे तो इट वाज रिटन मतलब न्यूज़ में आई थी बात उसकी दोस्ती हो गई इसके साथ बाद में पता चला कि कोई झूठा है ओह माय गॉड शुक्रिया क्या नाम बताया आपने सर याशिका बहुत बहुत धन्यवाद आप शो पे आए और ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम वेदा के लिए आई होप यू एंजॉयड थैंक यू गुड नाइट शुभ रात्रि